नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा नहीं, विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। स्वागत है हमारे वशीकरण ज्ञान यूट्यूब चैनल टोटका में। तो आज का विषय आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो क्या है और कैसे होने वाला है। इलायची वशीकरण। बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि बाबा जी, आप तो वशीकरण करने का तरीका बताते हैं पर हम कर नहीं पाते हैं। तो उन भक्तों के लिए मेरा ये संदेश है कि यदि आप नहीं कर पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे अपने वशीकरण के बारे में जान सकते हैं। इलायची वशीकरण कैसे करते हैं? यदि आप भी किसी लड़की से प्यार करते हैं, यदि आप भी किसी कुंवारी कन्या से प्यार करते हैं या शादीशुदा लड़की से प्यार करते हैं, आप उसको अपने बस में करना चाहते हैं, तो मेरा वादा है आपसे 110% ये वशीकरण आपका सक्सेसफुल रहेगा। बहुत ही सारे लड़के लड़कियाँ हैं जो कि प्यार करते हैं पर किसी न किसी के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश, किसी घर का समस्या हो या कॉलेज का समस्या हो या आपसी विवाद हो, तो इस विवादों से घिरे हुए भी दोनों तो प्यार करते हैं पर संबंध नहीं बना सकते हैं, एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो इस कॉलेज गर्ल या कॉलेज बॉय से मेरा विनती है कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं कीजिएगा। ये बहुत ही आसान इलायची वशीकरण टोटका से आप अपने दूरियों को करीबी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान वशीकरण टोटका है जो कि आप थोड़े ही वक्त में कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपका पार्टनर है, जो भी है, लड़का है या लड़की है, आपके बस में हो जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा। प्यार तो करता ही है बस किसी न किसी कारणवश आपके संपर्क में नहीं आ पाता है, आपसे बात नहीं कर पाता है। तो चलिए हम बताते हैं इलायची वशीकरण कैसे करेंगे, कैसे अपने दूरियों को करीबी कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक आपसे विनती है कि यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा करके बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डलेगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम बताते हैं। एक लाल पेन लेना है। लाल पेन लेने के बाद आपको एक सादा पेपर लेना है। सादा पेपर ले लीजिएगा और सादा पेपर पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। क्या बनाइएगा? स्वास्तिक का चिन्ह बनाइएगा। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके चारों खंड में ओम 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 लिखिएगा, ठीक है? ओम ओम लिखने के बाद आपको करना क्या है, उसमें बीच में थोड़ा सा कुमकुम डाल करके और जो इलायची हम बोले हैं उस इलायची को उसी बीच में डाल दीजिएगा। इस क्रिया को शनिवार को कीजिएगा। कब कीजिएगा? शनिवार को कीजिएगा। और करने के बाद आपको करना क्या है, उस पेपर को मोड़ करके तकिए के नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है? तकिए के नीचे डालने के बाद आप रविवार की सुबह में स्नान करके लाल कपड़े का आसन बना करके बैठ जाइएगा और बैठने के बाद उस लड़की का 51 बार नाम लीजिएगा और उस पेपर जो तकिए के नीचे दबा करके रखे थे उसको बाहर निकाल लीजिएगा और सामने रखिएगा और लड़की का 51 बार नाम लीजिएगा। कितना बार लीजिएगा? 51 बार। 51 बार नाम लेने के बाद आपको करना क्या है, उस पेपर को इलायची सहित जला देना है। क्या करना है? जला देना है। जलाने के बाद आप उस राख को, जो बचेगा पेपर का जो राख बन जाएगा जला हुआ, और उस इलायची जो बच जाएगा, जो जलने से बच जाएगा, उसका प्रभाव तो आ ही जाएगा, जो जलने से बच जाएगा उसको निकाल करके उस लड़की के दरवाजे पर फेंक दीजिएगा। फेंकने के बाद आपको करना क्या है, फेंक देने के बाद आपको क्या करना है, उस राख को अपने कुमकुम के साथ मिला करके तिलक यानी चंदन कर लीजिएगा। मेरा वादा है आपसे
कि जिसके नाम से आप वशीकरण किए हैं, जिसके वशीकरण करने के बाद आप अपने माथे पे चंदन लगाए हैं, वो लड़की आपके कदमों में होगी, आपके प्यार के लिए पागल होगी और आपसे बात करने के लिए पागल हो जाएगी और आपसे बात करने लगेगी। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले।